एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है, बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा, हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। हाँ, एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? मैं भी गाना गा रहा हूं, और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ट्वीक द सॉन्ग्स ब्रो, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। इट्स वेरी इजी फॉर मी। लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं, आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? चलो अच्छा, ऐसा करते हैं एक मूवमेंट शुरू करते हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। एक मूवमेंट शुरू करते हैं, ये अच्छी बात हुई इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहां, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। मैं प्रण करता हूं, हो सकता है ये। बहुत बड़ा रेवेन्यू है, कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। क्या बातें कर रहे हो आप यूथ को फुद्दू नहीं बना सकते। अच्छा एक और मौका दूं, एक इससे भी अच्छा ऑफर दूं एक और, जहां जहां मेरे शो हैं वहां वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊंगा।